मित्रों, मैं अभी मिथिला के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले समस्तीपुर के सरारंजन प्रखंड के उदयपुर गांव में हूँ और यहाँ महाराज अनुज आचार्य महाराज आ रहे हैं जो कि कल 5 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो यहाँ मैं पंडाल के अभी स्टेज पे हूँ और यहाँ के कुछ भाई लोग मिले हैं, उनसे मैं कुछ बात करता हूँ। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपके गांव में महाराज जी आ रहे हैं, उससे आप लोग को कितनी खुशी हो रही है? देखिए, मेरे गांव में नहीं, मेरे जिले में नहीं, पूरे बिहार में खुशी की बात है। आप देख लीजिए, बहुत अन्य जगह अन्य जिलों से लोग आए हैं और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी सनातन की आवाज, तो हम लोग हिंदू हैं तो हम लोगों को तो इतनी अति प्रसन्नता है। और यहाँ के समाज के साथ सारे लोग, अभी आप देख सकते हैं सारी महिलाएं आ चुकी है अभी से, तो इसमें प्रसन्नता की कोई कमी नहीं। जैसा कि चाचा जी से बात करते हैं, आपका मेरे चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद। जैसा कि महाराज जी आ रहे हैं आपके, कब तक आ जाएंगे? वैसे उनका जो प्रोग्राम है, कल पटना 8 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद जो आने में बाय रोड आएंगे, 2 घंटा से 2.5 घंटा समय लगेगा आने में। और वैसे इनका कार्यक्रम जो है 1 बजे से है, जो कि नियत समय पर कल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते, आप लोग आइए, महाराज जी का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से संध्या 4 बजे तक है। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, गौरी गोपाल आश्रम जैसा वृंदावन में है, उसी के जैसा पूरा यहां बनाया गया है। और भैया, जैसे कि महाराज जी आएंगे, उनके स्वागत के लिए क्या क्या व्यवस्था है? उनके स्वागत के लिए लोग पलक बिछाए हुए हैं, तो इसे हृदय की भाव से ज्यादा आप क्या व्यवस्था देखना चाहते हैं? ये पूरा पंडाल, ये सारे लोग भाव भी हो रहे, तो आप इससे ज्यादा क्या देखना? जैसा कि मैंने सुना था कि कोई रैली और का भी आयोजन है, ऐसा कुछ? वो तो उनके स्वागत में लोग खड़े हैं, पूरा सारंजन, पूरा समस्तीपुर खड़ा है। देख, छोटी सी रैली क्या उनकी अपेक्षा को रखेगी? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और बहुत ही जल्दी ये छोटा सा काम बचा हुआ है, वो लगभग 1 से 2 घंटे में कम्प्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप इधर दिखाइए, ये व्यासपीठ है, महाराज जी यहाँ आएंगे, व्यासपीठ यहाँ पे आएंगे, महाराज जी के व्यासपीठ देख लीजिए, पूरा काम जो चरम सीमा पे है। आप लोगों को मैं बता दूं कि महाराज जी सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, उसके बाद वो सोनपुर, हाजीपुर होते हुए, महुआ होते हुए, ताजपुर होते हुए, फिर मुसरी घरारी होते हुए, सरारंजन थाना पे होते हुए, फिर कथा पंडाल में आएंगे। ये कल का समय है दोपहर 1 बजे से संध्या 4 बजे तक, इसलिए आप लोग जो आ गए हैं उनके रहने की व्यवस्था है, आप लोग देर ना करें, आप लोग जल्द से जल्द आ जाएं। राधे राधे मित्रों।